हारमोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। ये हमारा 30वां लेसन है हारमोनियम सीखने के ऊपर। अभी तक हमारे 29 लेसन हो गए। अगर आपने वो लेसन नहीं देखे, प्राइवेट में जाइए, उन लेसन को देखिए। और ये 30वां लेसन बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी गाना खुद से निकाल पाए, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ करना बहुत जरूरी है। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसके बिना आपको हारमोनियम पे कोई भी गाना नहीं निकालना आएगा। बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट। अगर आप लोग हारमोनियम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप क्लास का बैच शुरू होने जा रहा है 15 जनवरी 2023 से। आप जुड़ सकते हैं। और उसकी जो फीस है 2 महीने की 1000 रुपये फीस है। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज क्या है। नॉर्मली हम, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि बिलावल थाट, जैसे कि आपको पता है कि उसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, इसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। अभी इस एक्सरसाइज को आपको कैसे एडवांस रूप में यूज करना, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप पहली काली स्केल से, यानी कि सी शार्प से, सारे गामा पा धा नि सा बजा रहे हैं, बिलावल थाट बजा रहे हैं, इसका जो 5वां नोट, यानी कि जो पा है, जैसे आपने बजाया, पहले पूरा आरो व्रो बजाइए पहली काली से। जब ये पूरे स्केल का आपने आरो व्रो बजाया, जो इसका 5वां नोट यानी कि जो पा है, अगला स्केल आप यहां से बजाएंगे, यानी कि अगला जो आप बजाएंगे शुद्ध सारे गामा पा धा नि सा, या फिर अगला स्केल जो आप बजाएंगे वो जी शार्प बजाएंगे। देखिए, ठीक है। अभी इसका जो पा हुआ, यानी कि सा रे गा मा पा, तो इसका पा यहां पे बजाएंगे, क्योंकि ऊपर आपके हारमोनियम में इतने स्वर नहीं होते। तो मतलब कि अभी देखो 3 स्केल हो गए। पहला स्केल सी शार्प हो गया, दूसरा जी शार्प हुआ। अभी जी शार्प का जो पा हुआ सा रे गा मा पा, वो बन गया डी शार्प। तो डी शार्प आप यहां से बजाएंगे, अभी इसका पा कौन सा बना, सा रे गा मा पा, यानी कि ये बना अगला स्केल आपका 4th स्केल, यहां से अभी इसका पा कौन सा बना, इसका पा बना सा रे गा मा पा, तो ये बना आपका अगला स्केल, यहां से बजेगा। अभी इसका पा कौन सा हुआ, तो ये हुआ अगला स्केल, यहां से बजेगा। इसका पा कौन सा हुआ, ये बजा, यहां से बनेगा। अभी मैं आपको थोड़ा इसको और सरल करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेन क्या है इसमें, हमें क्या है कि अपने माइंड को इतना शार्प करना है, मतलब इतना तैयार करना है कि, मतलब मान के चलो मैंने आपको बोल दिया, रैंडमली बोल दिया कि आप एफ शार्प मेजर स्केल बजाओ, ऐसे बजाना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया डी मेजर स्केल बजाओ, अगर मैंने बोल दिया एफ मेजर बजाओ, तो एक ही पल में बजना चाहिए। तो इसको बजाने के लिए ये एक्सरसाइज है। ये बजाना आएगा तब आप कोई भी गाना किसी भी स्केल से बजा पाएंगे। यानी कि अगर कोई गाना पहली कली से बजाना है, या 5वीं कली से बजाना है, या 4थी सफेद से बजाना, कहीं से भी बजा पाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको करना कैसे, मैं अभी आपको वो समझा देता हूँ। देखिए, आप यहाँ से शुरू करेंगे पहली कली से। सबसे पहले आपने क्या किया, पहली कली स्केल बजाया सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। अभी इस स्केल का जो 5वां नोट है, यानी कि इस स्केल का 5वां नोट कौन सा बना, पा बना। अगला स्केल आप वहां से बजाएंगे, यानी कि जो पा बना यहाँ से, आप इसको सा मान के अगला स्केल बजाएंगे। अभी इस स्केल का 5वां नोट कौन सा बना, सा रे गा मा पा, ये बनाना। तो ये ऊपर तो बजा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारे स्वर ही नहीं। तो इसलिए क्या करें, हमने नीचे ले आए, इसी स्केल को हम नीचे बजाएंगे, यानी कि यहां से। इसका पा कौन सा हो, ये हुआ अगला स्केल, यहां से बजेगा। ऊपर हमें वही स्केल बजाना जिसमें हमारे पूरे 7 के 7 स्वर बजे, यानी कि सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। अगर पूरा आरो व्रो बज रहा है तो ऊपर बजाएंगे, अगर ऊपर नहीं बज रहा, मतलब कि मान चलो आपका नी तक बज रहा सा नहीं है, तो फिर आप वही स्केल नीचे बजाएंगे। इस तरीके से आपको टोटल 12 के 12 स्केल बजाने हैं। इसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा स्केल्स को बजाने के लिए। अगर मैंने बोल दिया कि आप बजाओ जी मेजर स्केल, तो फट से आपका दिमाग काम करेगा। सेम यही चीज को अपन आगे गानों में भी यूज कर पाएंगे। मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन पहले ये एक्सरसाइज आना बहुत जरूरी है अगर आप लोग अपने आप से कोई गाना निकालना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा।
लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा एडवांस है ये वीडियो जरूर, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा।